जी बिल्कुल, स्वात में जो है आज भिंगौरा शहर में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। सुबह के वक्त दो पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर थे कि इसी दौरान नामालूम अफराद ने आकर जो है सब्जी मंडी के करीब इन पर फायरिंग खोल दी और दोनों पुलिस एहलकारों को जो है वो शहीद कर दिया गया। इसके बाद इनके लाशों को जो है अस्पताल लाने की कोशिश की गई, लेकिन दवाई टीम ने जो है उन्होंने लाशों को सईद शरीफ रोड पर रखकर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। मुजाहरीन जो है वो बड़ी तादाद में निकले हुए हैं, लवाहिकीन उनके साथ है और वो इंसाफ मांग रहे हैं कि इस वक्त स्वात में पे दर पे इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार है उनको निशाना बनाया जा रहा है और ख़ासकर पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त निशाने पर है। तो इसी वजह से आज जो है भिंगौरा शहर में एक दफ़ा हम फिर देख रहे हैं कि लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। आप इस वक्त मेरे अकब भी देख सकते हैं कि ये सईद शरीफ रोड है जहाँ पर सरकारी दफातर भी है, अस्पताल भी इसी रोड पर वाकया है। इस रोड को जो है हर किस्म टपक के लिए बंद कर दिया गया है और लवाहिकीन जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। लवाहिकीन जो है वो पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं कि इस तरह के हालात का इनको बार बार जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किए जा रहे सिक्योरिटी के हवाले से ताकि पुलिस एहलकारों को जो है वो इस तरह निशाना बनाया ना बनाया जाए और इनको तहफ्फुज़ जो है वो दिया जाए।